वेलकम टू कैनेडा, गोइंग 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 गोइंग। ठीक 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 ठीक, हरी अप हरी अप। बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। दोस्तों मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ और मेरे साथ सुनील शर्मा जुड़े हुए हैं, साथ में उनकी धर्मपत्नी। और मेरे को खुशी इतनी हो रही है आपको देख के कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरे का 10 किलो खून बढ़ गया आपको देखकर कि आप कनाडा सही सलामत पहुँच गए, सुरक्षित पहुँच गए, वर्क वीज़ा पे पहुँचे हो। कल से अगले हफ्ते से आपकी नौकरी शुरू हो जाएगी तो नोट कमाना शुरू कर दोगे। हमारा धंधा ही यही है। कई बार लोग पूछते हैं आप करते क्या हो, सर मैम ने कहा हमारा धंधा ही है कि पति पत्नी को जोड़ना कनाडा में, यही हमारा बिजनेस है। और मेरे को इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है आपको देखकर कि कितने साल बाद देखो आपकी पत्नी जो है आपके लिए वेट कर रही है कितने साल से, और काम कर रही है, कर रही थी, अभी भी काम करेगी। और वो मतलब उनका ये था कि भी मेरे हस्बैंड आएंगे और आके अपनी ज़िंदगी नई शुरू करेंगे। तो आई एम रियली रियली एक्साइटेड कि आप पहुँचे। आप बताओ कि आपको लग कैसे रहा है वैनकूवर एयरपोर्ट पर जब आप उतरे? आपने देखा इंग्लिश में बेनवेन्यू लिखा है और मेपल लीफ बने हुए हैं, तो आपको लगा कि मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे हूँ या हरियाणा यमुनानगर में हूँ, कहाँ पर हूँ? एयरपोर्ट के अंदर तो ऑलमोस्ट सेम ही था क्योंकि बस वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज था, वहाँ से पता चला था कि हम कहीं कोई जगह पर आ गए। अच्छा 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 लगा पहुँच के। अच्छा वहाँ पर 8-10 साल से जो सपना था वो अब पूरा हुआ जाके। 8-10 साल से सपना था, माय गॉड, दैट्स अ बिग सपना जो आपका पूरा हुआ। और यहाँ पर जब इमिग्रेशन वाले जो आपसे मिले हैं, जो गोरे अफसर कोई मिले होंगे जो CBSE का पट्टा लगाए हुए हैं, तो उन्होंने आपसे कोई बातचीत करी, आपका वेलकम किया, कोई परेशानी तो नहीं करी? Nothing sir, nothing. Just hold my passport, carry. And after 10 minutes back he called me and he gave me my work permit. जी 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 जी, अच्छी बात है, अच्छी बात। तो वहां से बस निकल के फिर बाहर आ गए। तो और उसके बाद जब एयरपोर्ट से आप बाहर निकले तो आपको हवा में फर्क लगा, जैसे हरियाणा की हवा, दिल्ली की हवा और यहाँ की हवा, सांस लेने में फर्क लगा कोई, फ्रेश कुछ लगा कुछ? वो तो है ही है सर, वो तो है ही है। सबसे पोल्यूटेड एरिया में थे दिल्ली में जो करता था सर, आपको पता है दिल्ली का। जी 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 जी। आप मेरे को याद है कि आप 24 घंटे पहले मेरे को फरमाए, आपसे बात हुई रात को, आप मुरथल पे परौंठे खा रहे थे आप, मैंने कहा था कि आपके कि आपके परौंठे वोटे जो खाना है खा लो, अब ये कनाडा पे कुछ नहीं मिलेगा, पैक कराना है पैक करा लो। अभी कनाडा में यहाँ पर ना परौंठे मिलेंगे वैसे, और ना वो आपको टाइम मिलेगा परौंठे बनाने का घर पे, और ये तो फिर वो फ्रोजन ही खाओगे, बर्फ वाले परौंठे ही खाओगे गर्म कर करके। तो चलिए अच्छी बात है, और मेरे को बड़ी खुशी है कि आप सही सलामत पहुँच गए, आपकी जिंदगी शुरू होने वाली है अब असली जिंदगी, जो कनाडा की जो फैमिली लाइफ है वो शुरू होगी। और आपकी वाइफ ने बहुत तपस्या करी है आपके लिए, आई एम रियली रियली एक्साइटेड। मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि मेरे को अंदर से कितनी खुशी है। पैसा कमाना, एप्लीकेशन में पैसा तो कमाना ही है थोड़ी बहुत, तो जैसे हर एक बंदा नौकरी कर रहा है मेरे को भी कुछ कमाना है, लेकिन कमाने से ज़्यादा मेरे को जो खुशी है, जो 10 किलो मेरा खून आपने जो बढ़ाया है पहुँच कर और एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन होकर, तो उसका कोई हिसाब नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय सर, गुड बाय। हाँ, इसको सोनिया को घुमाए,
इनको घुमाए वहां पर पायल बिजनेस सेंटर में, चाट वाट खिलाए जरा। हाँ, हाँ, जाना पड़ेगा। हाँ। आपको नाम नाम ही मालूम पड़ गया इतनी जाते ही पहले। और क्या, गाड़ी में बता दिए। अच्छा 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 चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखिए आपको, आप लोग तो एक्चुअली यहाँ पर सरी के रहने वाले ना, लोअर मेनलैंड के। मैं तो रहता नहीं, हमारा तो एरिया अल्बर्टा है, तो इसलिए मेरे को भी इतने नाम नहीं पता। यहाँ पर सरी में आया हूँ एक दो बार तीन बार आया हूँ यहाँ पर। तो बाकी अच्छी घूमने की जगह है, काफी इंडियन पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन डेफिनेटली महंगाई तो बहुत ज्यादा है आपके यहाँ पर। मतलब जो BC में महंगाई, अल्बर्टा से तो बहुत डबल महंगी होगी। तो मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि लोग यहाँ पर सर्वाइव कैसे करते हैं, कितने जॉब्स करते हैं, दो दो जॉब करते हैं, कैसे करते हैं। मुश्किल है सब कुछ करना यहाँ पर, मुश्किल है। लेकिन जैसे अल्बर्टा में हम लोग रहते हैं, तो अल्बर्टा में मैं तो कई फैमिलीज को जानता हूँ जहाँ पर इंडिया वाला सिस्टम है, एक आदमी मतलब हस्बैंड काम करता है और वाइफ हाउस वाइफ है, तो उनका गुजारा चल जाता है। तो ऐसा मुस्लिम उसमें होता है, मुस्लिम होते हैं ना, जो उनकी वाइफ हमने देखा है ऑलमोस्ट, वो बच्चे बुच्चे लेके इधर उधर घूमते, कभी नहीं देखा उन्हें कि वो काम पे जाती है। या उनकी फैमिली बड़ी होती है ना, उनके बच्चे 3-4 बच्चे होते हैं ना उनके, तो घर में दिखने वाला उनको उतना तो उनका चाइल्ड केयर लग जाएगा अगर नौकरी करने जाएंगी तो। नौकरी करने, हाँ, चाइल्ड केयर में देंगे वो। दूसरी बात सर, आपको पता नहीं है कि बच्चों के भी CCTV मिलती है, चाइल्ड केयर टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो उसमें से उनको $400-500 मिल जाते हैं। तो घर बैठे बैठे अगर 4 बच्चे हैं, तो आप सोचो कि $1,500-1,600 तो वही उनके पास आ रहे हैं एक महीने। तो यार अच्छे क्लू है यहाँ पे, घर भी कॉज अच्छे क्लू है। आपको फैमिली शुरू करनी चाहिए, आगे आगे बच्चे होंगे, आपके भी 2-3 बच्चे होंगे, तो आपको भी CCTV मिलेगी। दो तीन अरे तो कनाडा में क्या है, कनाडा में तो पॉपुलेशन कम है। यहाँ तो सरकार कहती है जितने द मोर द मेरियर है, यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। हम तो हमारे एक नाम का सिस्टम नहीं है, ये दिल्ली हरियाणा वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो There's absolutely no limit. मेरे को पता है कि जब मैं वहां पर काम करता था एडमिंटन में, तो वहां पर एक मेरी क्लाइंट थी, अफ्रीका की थी, वो पता नहीं कहाँ की, युगांडा की या नाइजीरिया की, उसके बिलीव इट और नॉट उसके 11 बच्चे थे। ग्यारह बच्चे जो मैंने देखे उसके, जो मतलब अभी पता नहीं और भी ना, तो 11 बच्चे ने देखे। तो मैंने उसको कई बार, मैं उसका इंटरव्यू करता था, मैं कहा तू करती क्या सारा दिन मैं पर वो एक बच्चा शुरू से लेके अंत तक देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 20 years plus 21। मतलब कि जब वो आई थी तब भी 4-5 बच्चे उसके पहले से थे अफ्रीका से, फिर यहाँ पर हुए, फिर आगे हुए। और तो उसको तो कम से कम मेरे ख्याल है कि 20 साल का फर्क था। हाँ, 20 साल plus का फर्क होगा। तो उसके तो मतलब उसके करीब करीब $3,500-3,000 हाँ, एज भी ज्यादा थी, ऑफकोर्स तो, हाँ, 3,500-3,000 उसके वो आते थे, फ्री CCTV आता था उसको। और उसके जो पति परमेश्वर थे वो टैक्सी चलाते थे, तो उसकी इनकम किसी को पता नहीं चलती थी कितना कमा रहे हैं। तो वो दोनों हाथ से सरकार को लूट रहे थे वैसे। अच्छा। चलो एनीवे, मैं कोई आइडिया नहीं देना चाहता। आप रिलैक्स करो, इंजॉय करो, घर वाले सब खुश हैं, घर वाले खुश हैं तो वो तो होंगे, बेटा चला गया, इमोशनल तो होते ही हैं सर, आपको पता ही है। हाँ, बेटा चला गया तो वो सोच रहे होंगे बेटा कहाँ चला गया, ये है। अब आगे उनका सिलसिला शुरू हो जाएगा कि बेटे मेरे को कब बुलाओगे, कब मिलने आओगे, यू नो वगैरह वगैरह। हाँ, ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। आई नो यू आर बिजी, आप अपना लाइफ कंटिन्यू करो और यू नो एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, एंड होपफुली आई विल सी यू सम टाइम इन वैंकूवर इफ आई एम देयर। यस, डेफिनेटली सर। ओके ओके, थैंक यू सर, विल मीट यू सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। आ जाना सर जब